छत्तीसगढ़ की नायाब कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी दिल्ली स्थित संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगाई गई है। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के हाथों से किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम और छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंधक संचालक रेखा शुक्ला मौजूद रही। इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी के तरह तरह के वस्त्र, गमछा, जैकेट्स, कुर्ता पजामा और चादर के अलावा कोसा साड़ी, कोसा कुर्ती, पीस, जूट के पर्स और बांस की बनी सीनरीज, मिट्टी के प्रिंटेड थाली सेट के साथ साथ छत्तीसगढ़ के वनोपज से तैयार तरह तरह की हर्बल सामग्री भी बेचे जाएंगे। वहीं इस प्रदर्शनी में आने वाले लोगों ने नायाब कलाकारों से सजे हुए चीजों में अपनी खूब रुचि दिखाई। दिल्ली स्थित संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में आपको दादी विक्रय केंद्र है, जहां पर छत्तीसगढ़ की नायाब कारीगरी आप इन तमाम सामानों में देख सकते हैं। किस तरह से यहां पर पेंटिंग्स और जूट के थैले, बैग वगैरह आप देख सकते हैं। प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है और यहां पर तमाम लोग पहुंचे जो कि इनमें काफी रुचि दिखा रहे थे। कह सकते हैं कि ये जो कारीगरी है लोगों को काफी यहां पर भा रही थी। संगवारी छत्तीसगढ़ का दरअसल शुभारंभ हो रहा है, वहीं दिल्ली स्थित संतुष्टि कॉम्प्लेक्स में ये प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।